गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडेज चैप्टर इज़ द मंकी एंड द लेपर्ड। लेपर्ड आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी में काले स्पॉट्स होते हैं। उस काले स्पॉट्स की वजह से लेपर्ड बहुत सुंदर लगता है। तो इस कहानी में लेपर्ड रोज़ अपने जो थे स्पॉट्स को गिनता था, सुबह भी और शाम को भी। आगे क्या होता है इस कहानी में, इसमें हम देखेंगे। इन अ फॉरेस्ट अ मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री। एक जंगल में बंदर एक पेड़ पे रहता था। ही वॉज अलोन बट ही लिव्ड हैप्पीली ऑन द ट्री। अकेले रहता था वो, लेकिन खुश रहता था। नियर द ट्री देयर लिव्ड अ लेपर्ड। ट्री के पास एक लेपर्ड रहता था। ही हैड ब्यूटिफुल ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज बॉडी। उसकी बॉडी में काले स्पॉट्स थे। He used to count these spots every day, once in the morning and once in the evening. एक बार सुबह और एक बार शाम को वो उसको काउंट करता था। Every morning the leopard would sit under the tree and count his spots 1, 2, 3, 4, 500. हर सुबह वो बैठता था काउंट करने के लिए पेड़ के नीचे, और 1, 2, 3, 4 करके पूरा 100 तक उसके बॉडी में स्पॉट्स थे। द मंकी वॉच्ड हिम एवरी डे काउंटिंग हिज स्पॉट्स। मंकी रोज उसको देखता था कि ये काउंट कर रहा है बैठ करके, और उससे तंग आ गया था। कहता था, फुलिश लेपर्ड थॉट द मंकी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डज ही डू सो। क्यों ये रोज़ गिनता है अपनी स्पॉट्स, कहीं चले थोड़ी ना जाएंगे। मंकी उससे बहुत दुखी हो गया था, बार बार 1, 2, 3, 4 ये सब सुनना। सो ही रिक्वेस्टेड द लेपर्ड टू स्टॉप दिस। उसने कहा कि प्लीज़ आप ये बंद कर दीजिए, या तो फिर कहीं और जाकर के बैठ करके गिनिए। बट नीदर द लेपर्ड स्टॉप्ड काउंटिंग नॉर ही वेंट एनीवेयर। ना ही उसने काउंट करना बंद किया और ना ही वो वहाँ से छोड़ करके कहीं गया। उसने कहा कि ऐसे तुम कहीं चले जाओ। तो मंकी जो है वो अपना पेड़ छोड़ना नहीं चाहता था। He would have to do something। उसको लगा मुझे तो करना पड़ेगा कि ये अपनी काउंटिंग जो है वो बंद कर दे। एक दिन वो पास में एक गांव था, वहाँ पे गया। उसने देखा एक आदमी पेंट कर रहा है येलो कलर का, तो वो वहाँ रुक गया और उसको देखने लग गया। After some time, the man left his work and went inside the house। अपना काम छोड़ करके वो अपने घर चला गया, घर के अंदर चला गया। और मंकी ने सोचा कि अच्छा मैं ये पेंट और ब्रश उठा के ले जाता हूँ। तो ही पिक्ड अप द पेंट एंड ब्रश एंड केम बैक टू हिज ट्री। वंस अगेन इन द मॉर्निंग लेपर्ड वहाँ पर बैठ करके गिनने लगा। 100 तक गिना और फिर वहाँ पर सो गया। धीरे से मंकी नीचे उतरा पेड़ से और उसने उस ब्रश से एक स्पॉट को पेंट कर दिया और फिर झट से पेड़ पे चढ़ गया। लेपर्ड गॉट अप आफ्टर अ साउंड स्लीप। अच्छी स्लीप यानी अच्छी नींद लेने के बाद लेपर्ड उठा, फिर उसने काउंट करना शुरू किया। अब जब उसने काउंट किया तो 1, 2, 3 से शुरुआत करते करते वो कहाँ पहुँचा, 99 तक। अब वो परेशान, आई हैव लॉस्ट माई वन स्पॉट, क्राइड द लेपर्ड। ही लुक फॉर, अब वो स्पॉट को ज़मीन पर खोज रहा है कि कहीं गिर गया है क्या, मुझे मिल ही नहीं रहा। और बड़ा दुखी हो, मैं क्या करूँ। तो मंकी ने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हारा स्पॉट जो है तुम्हें खोज के दे दूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम काउंटिंग करना बंद कर दोगे। तो लेपर्ड ने कहा कि ठीक है भैया, तुम मेरा खोल दो। तो मंकी टोल्ड द लेपर्ड टू शट अप हिज आईज। उसने कहा कि ऐसा है, तुम अपनी आँखें बंद कर लो। तो उसने अपनी आँखें बंद की, मंकी धीरे से गया और उसने येल्लो वाला जो पेंट किया था वो उसने धो दिया। जब उसने धो दिया तो फिर उसने कहा कि ऐसा है लेपर्ड भैया, अब आप गिनिए। जब उसने गिना तो पूरा 100 आ गया। अब उसने कहा कि अरे वाह, मुझे मेरा स्पॉट मिल गया। बड़े खुशी बोला। आफ्टर दिस द लेपर्ड डिड नॉट काउंट हिज स्पॉट अगेन। फिर वो रोज़ अपना स्पॉट्स नहीं गिनता था और मंकी उस पेड़ में आराम से रहने लगा।